पैसा चाहिए, पैसा कब आएगा? मम्मी 5 रुपए दे दो, मम्मी 1000 दे दो, मम्मी बस आने वाली है। के बाद था हमारा एक्सट्रीम गरीबी वाला पीरियड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंचल्स एमबीबीएस जर्नी। दिस इज डॉक्टर आंचल, इंटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज। सो गाइस, आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, पता नहीं आप लोगों को हो या ना हो, मुझे बहुत ज्यादा है कि फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट से मेरा मतलब ये नहीं कि 1 या 2 महीने, जब से एमबीबीएस में आए हैं तब से फाइनली हमारी सैलरी आ गई है। सैलरी नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, यस वही स्टाइपेंड आ गई है। सो गाइस, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरी स्टाइपेंड आ गई, बट टू शेयर ऑल माय इमोशंस और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे आप लोगों के साथ। सो लेट मी टेल यू इनिशियली कि हमारी जो स्टाइपेंड है वो पर मंथली 17,000 है, पर जो अभी हमारे हाथ में आई है वो हमारे लगभग 2.5 महीने के बाद आई है। सो राइट नाउ अभी हम सबके मिनिमम बैंक बैलेंस इज 34,000। सो खैर, 34,000 कल तक थी, आज जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक ऑलरेडी आधे बच्चे पैसे खर्च कर चुके होंगे डेफिनेटली। लोगों को स्टार्टिंग से बता दी कि हमारा स्टाइपेंड का सीन हुआ क्या था। देखो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो फर्स्ट महीना था ना, उसमें हम सब तो ऐसे थे कि यार सरकारी काम है, अभी तो क्या ही मिलेगा, इस 1 महीने तो उम्मीद छोड़ ही दो। पर जो हमारे बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस थे लाइक हल्द्वानी और श्रीनगर, वहां के बच्चों को 1 महीने में उस स्टाइपेंड उनके हाथ में आ गई थी। तो हम सबका तो हो गया दिमाग खराब, नहीं हमें भी चाहिए, अब घर से कितना मांग ले, अब तो शर्म आ रही है, अब तो हो गया कि हाँ बेटा इंटर्नशिप में तो खुद के पैसे आ रहे, अब खुद के पैसे वो यूज करो। पर छोड़ो, जो भी था, फिर हम गए अकाउंट सेक्शन के पास कि सर पैसा दे दो, हमारा अब नहीं रहा जा रहा बिना पैसे के। तो वो कहते हैं बेटा अगले हफ्ते तो तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। सो वी वर लाइक चलो एक हफ्ता तो हम वेट कर ही लेंगे, जहां 1 महीना हो गया वहां 1 हफ्ता वेट कर लेंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि उस 1 हफ्ते हमारा पोपट बन गया, कुछ भी नहीं आया। वो अगले हफ्ते करते करते 1 महीना और खिंच गया। सो इट वॉज लाइक कि हमारी 1 मंथ की सैलरी के साथ साथ 2 मंथ पूरे हो चुके थे और हम लोग अपनी पूरी आस वगैरह सब हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार अब तो मिल जानी चाहिए थी, एटलीस्ट 2 महीने खिंच गए, 1 महीने की तो दे दो। देन एक फाइनली डेट डिसाइड हुई 2 जून की। तो वी वर लाइक कि यार अब तो आ ही जानी चाहिए, कि चलो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी 2 महीने की एक साथ देते। हमने कहा ठीक है, जब 2 महीने की देने को तैयार है, हम भी क्या लड़े इतना, तो पैसा चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है, कभी आए, नहीं फर्क पड़ रहा है कभी आए, 2 महीने वॉज लाइक कि चलो 2 महीने तक हम इंतजार कर सकते हैं। पर 2 जून को भी नहीं आई। आगे बात था हमारा एक्सट्रीम गरीबी वाला पीरियड, जब हम जो मिनिमम जा सकता था ना उतना गया है, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंड लिटरली मैं बता रही हूँ, हर एक बच्चा एवरीवन वाज लाइक मम्मी 500 रुपए दे दो। मैं अपना खुद का बता रही हूँ, हर दूसरे दिन मम्मी 500 रुपए दे दो, मम्मी 1000 दे दो, मम्मी बस आने वाली, आज आने वाली, अब नहीं मांगूंगी, ये भेज दूंगी वापस। खैर देखो, पेरेंट्स ऐसे करते नहीं है ना कि हाँ बेटा तुम्हें चाहिए तो ले लो, पेरेंट्स कभी मना नहीं करते, पर एक वो खुद से शर्म आ जाती है ना, मिडिल क्लास वाली फैमिली का होता है ना कि यार अब तो, कि यार अब मांग लिया है, अब नहीं मांगना घर वालों से, एटलीस्ट अब तो अपना पैसा हम यूज करेंगे, थोड़ा घर वालों से बर्डन कम करें। पर कोई पैसा नहीं आया और फाइनली हमें 10 तारीख को आया 10 जून को कि आप लोगों की स्टाइपेंड आ जाएगी। उसके बाद से हम दिन गिनते गिनते अकाउंट सेक्शन वालों को गालियां देते देते फाइनली 15 को हमारे अकाउंट्स में स्टाइपेंड आ चुकी थी, हमारी फर्स्ट स्टाइपेंड। एंड एवरीवन वाज लाइक पैसे आ गए, फाइनली पैसे आ गए हैं। एंड शाम को तो नहीं, शायद दिन में आए, यस दिन में आए थे। तो हम लोग ऐसे थे कि चलो अब अपना अपना हम डिसाइड कर सकते कहाँ खर्चा करना है, कितना करना है। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि कहाँ कितने दिन है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बस वेट किसका था, पैसों का। सो गाइस, दिस वाज ऑल माय स्टाइपेंड जर्नी कि हाँ हमें कैसे पोपट बनाया गया और कितना टाइम लगाया गया एक स्टाइपेंड देने में। सो ये थी मेरी एक्साइटमेंट हमारे फर्स्ट स्टाइपेंड की। होप आप लोगों को सुन के अच्छा लगाओ। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।